स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 8 ए वर्ग समीकरण भाग 1। पहला सवाल दिया है, निम्नांकित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ये उत्तर की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे दिया 49 = 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस से उस साइड क्या हो जाएगा प्लस था इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा 40 का 49। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर जब भी हटा, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर हटाए तो ये अंडर रूट में चला गया और कितना हो जाएगा हमारा 40 का 49। ठीक है, ये अंडर रूट में चला गया। जब ये अंडर रूट से बाहर आता है तो क्या हो जाता है प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है ना, मतलब एक बार प्लस में भी रख सकते हैं एक बार माइनस में भी रख सकते हैं। अब करते हैं हम लोग उत्तर की जांच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की यहाँ पे हो जाएगा जांच, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच में क्या करना है कि जहाँ पे लिखा हुआ यक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49 = 0, मतलब बराबर के इस साइड वाला मान ये बराबर के उस साइड वाले मान के बराबर होना चाहिए। तो बराबर के उस साइड 0 है और इस साइड क्या हमारा है इतना पूरा दिया हुआ है, मतलब दोनों का मान 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे यक्स बराबर, ठीक है ना, यक्स का मान ठीक ना, मान रखने पर, ठीक है ना, रखने पर अब रखने पर क्या रखेंगे, एक बार रख देते हैं प्लस का 7, क्योंकि दोनों दिया हुआ है, एक बार प्लस का 7 दिया है एक बार माइनस का 7, मतलब प्लस माइनस 7 दिया हुआ है तो प्लस का 7 रखने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 7 इसका स्क्वायर माइनस 49 और यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 0, तो 0 रखेंगे और साथ साथ क्या हो जाएगा 49 और बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस कितना हो जाएगा हमारा 49 और इक्वल टू कितना 0। अब 49 में 49 जाएगा कितना जाएगा 0, 0 इक्वल टू क्या जाएगा 0, मतलब ये आ गया। अब एक बार यक्स बराबर क्या रखेंगे माइनस का 7, यक्स का मान, ठीक है, यक्स का मान मान रखने पर अब रखेंगे क्या चीज़, हम लोग रखेंगे माइनस का 7। तो जब माइनस का 7 रखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है माइनस का 7 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे दिया हमारा 40 का 9 और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 49 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49, 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 49 में 49 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 0 और बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब कि एक्स की वैल्यू हम लोगों का दोनों रखने पर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब रख सकते हैं हम लोग मान लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर हो जाएगा, अतः यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक बार प्लस का 7 और एक बार हो जाएगा माइनस का 7 होगा, या फिर सही उत्तर है। यहाँ पे लिख देंगे सही, यहाँ पे उत्तर है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको करना था। आपका उत्तर जो है ये भी होगा, ठीक ना, यहाँ पे उसको आंसर लिख दीजिएगा, ये आंसर होगा एक बार प्लस का एक बार माइनस का, प्लस माइनस 7। ठीक है, ये आंसर लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 16x² - 9 = 0। यहाँ पे दिया हुआ 16, यहाँ पे x का स्क्वायर और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे जाएगा प्लस का, यहाँ पे जाएगा 9 और यहाँ पे गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब x का स्क्वायर = 9/9 में कितना हो जाएगा हमारा 16। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9/9 में कितना हो जाएगा 16 और ये भी किस चीज़ में अंडर रूट में। और यहाँ पे देखिए जब ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, मतलब यक्स स्क्वायर टू ये किसका वर्ग है 3 का, तो यहाँ पे जाएगा 3/3 में कितना, ये किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 4, 3/3 में कितना 4 हो गया और प्लस और माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको उत्तर की जाँच करना है तो यहाँ पर लिखिएगा उत्तर की जाँच, उत्तर की यहाँ पर हो जाएगा हमारा जाँच। ठीक है, जाँच, उत्तर की जाँच अब कैसे करते हैं वो देखिए, यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, यक्स बराबर एक बार रखेंगे हम लोग क्या चीज़ प्लस का 3/4 रखने पर। अब एक्स की वैल्यू 3/4 एक बार रखते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है, 9 = 0। हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना होता है, मतलब इधर में मान रखेंगे एक्स का मान और इधर में 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे हम लोग कितना 16 × यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का 9 दिया 9 करेंगे, इक्वल टू 0 दिख रहा है तो 0 हो गया, इधर भी 0 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 और गुणे यहाँ पे 3 × 9/4 = 16। और यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 9 = 0 है तो 0 कर लीजिए, 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 9 - 9 = क्या हो जाएगा 0, और इस दोनों को घटाएंगे तभी भी क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये तो हो जाएगा इतना हमारा। अब देखिए दूसरा जो भी इसमें हम लोग करेंगे जैसे कि उत्तर की जांच, मतलब यक्ष बराबर
यक्ष का बराबर माइनस का 3/4 रखने पर, यहाँ पर जाएगा रखने रखने पर, तो 3/4 हम लोग 4 को रख लेते हैं, तो 3/4 रखने का मतलब यहाँ पर जाएगा 16 यक्ष का स्क्वायर माइनस 9 = 0, और यहाँ पर हो जाएगा 16 × माइनस यहाँ पर जाएगा 3/4 का यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर जाएगा 9 इसकल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 16 × अब 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 = 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 = 16 माइनस यहाँ पर जाएगा 9 इसकल टू यहाँ पर 0 है तो 0 कर लेंगे, यहाँ पर 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 9 - 9 और इसकल टू क्या 0, 9 - 9 के क्या बचेगा 0, मतलब इसकल टू कितना 0, मतलब यक्ष का मान यक्ष बराबर एक बार रख सकते हैं प्लस का 3/4 हो जाएगा और एक बार माइनस का 3/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, सही उत्तर। तो यहाँ पे उत्तर आपका ये भी हो जाएगा और उत्तर आपका ये भी होगा, लेकिन आंसर आपका यही दिया होगा क्योंकि मान निकालने में तो हम लोग को प्लस माइनस 3/4 होगा, लेकिन आप जब यहाँ पर मान रखेंगे तो इन दोनों को भी रख सकते हैं, मतलब कि ये भी सही उत्तर है, मतलब एक बार प्लस का भी रख सकते हैं एक बार माइनस का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सवाल को आपको करना था, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि ए एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी इसकल टू 0, यहाँ पर देखिए ये इक्वल में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, मतलब ए एक्स का स्क्वायर इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, ये गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इसकल टू बी बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो हमने बताया था कि ये अंडर रूट में चले जाएगा, तो ये बी बट्टे में कितना हो जाएगा ए, वो भी किसका प्लस में और माइनस में, ये किसमें हो जाएगा प्लस में माइनस में, ये बाहर नहीं निकल पाए थे, एक बार इसको प्लस में ले सकते हैं एक बार माइनस में ले सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की यहाँ पर हो जाएगा उत्तर की जांच, ठीक है, जांच उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यक्ष बराबर एक बार प्लस में यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा बी बट्टे में ए रखने पर, बी बट्टे में ए को क्या करने पर, रखने पर, रखने पर। अब रख देते हैं हम लोग बी बट्टे में ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा ए यक्ष का स्क्वायर माइनस बी इसकल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ए इंटू यहाँ पे हो जाएगा बी, अंडर रूट में हो जाएगा बी बट्टे में ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी, बराबर 0 है तो 0 कर लीजिए, यहाँ पे ए हो जाएगा इंटू बी के स्क्वायर करेंगे, मतलब होल स्क्वायर जब भी अंडर रूट से स्क्वायर करते हैं तो बी बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर हट जाता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी, मतलब ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा बी माइनस बी इसकल टू में 0 है इधर तो 0 रखेंगे, ये दोनों कट घट के क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 इसकल टू क्या हो जाएगा 0, ये 0 इस साइड है तो ये भी साइड 0 आ गया, ये भी साइड 0 आ गया। अब लिखेंगे क्या चीज़ कि यक्ष बराबर एक बार रख लेंगे कि यक्ष बराबर क्या रखने पर, यक्ष बराबर माइनस का अंडर रूट में बी बट्टे में ए रखने पर, यहाँ पर हो जाएगा रखने यहाँ पर हो जाएगा पर, अब रखने पर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब इसका मान रखते हैं तो हमारा ए एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी इसकल टू 0, ए और एक्स की वैल्यू कितना हमारा माइनस अंडर रूट में हो जाएगा बी बट्टे में ए, अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी बट्टे में सॉरी बी बट्टे में यहाँ पर जाएगा ए का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा माइनस का बी दिया माइनस का बी और इसकल टू 0 दिया 0, मतलब ए इंटू ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बी बट्टे में ए, माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो बार गुणा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो बार गुणा, ध्यान से समझिए, माइनस यहाँ पे बी बट्टे में ए यहाँ पे अंडर रूट में दिया हुआ है और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, मतलब माइनस अंडर रूट में बी बट्टे में ए, बी बट्टे में ए गुणे माइनस अंडर रूट में बी बट्टे में ए, यही हुआ, माइनस माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस, और बी में बी का गुणा होगा तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा ए बटे में बी, मतलब बी का स्क्वायर का मतलब इसको अंडर रूट दोनों कट के क्या हो जाएगा बी बटे में ए, मतलब प्लस क्या हो जाएगा बी बटे में ए, बी बटे में ए हो गया माइनस यहाँ पे जाएगा बी, वही सेम यहाँ पे भी वही हुआ है, ठीक ना, स्क्वायर हटाएं तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा या माइनस में माइनस कट के प्लस ही हो जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा तो मतलब बी माइनस यहाँ पे जाएगा हमारा बी इसकल टू इधर 0 है तो 0 रखेंगे और ये भी घट के क्या हो जाएगा 0, तो 0 इसकल टू 0, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि यक्ष का मान जब यक्ष बराबर एक बार प्लस में अंडर रूट में हो जाएगा बी बट्टे में ए और एक हो जाएगा माइनस में अंडर रूट में हो जाएगा बी बट्टे में हो जाएगा ए, और ये इसके क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हमको करना था। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, चौथे सवाल। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 4/9 यहाँ पर जाएगा 9 यक्ष का स्क्वायर दिया हुआ है, इसकल टू का 1 दिया, ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब देखिए यक्ष का स्क्वायर
बराबर वन, और भाग कहने का मतलब भाग हो जाएगा, मतलब चार बटे में कितना रहेगा हमारा, नौ रहेगा, चार बटे में नौ। यहाँ पर हो जाएगा यक्ष का स्क्वायर स्कल टू, ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, मतलब गुणे यहाँ पर जाएगा, नौ बटे में कितना हो जाएगा हमारा चार, ये उल्टा हो जाता है, चार नौ में एक का गुणा करेंगे, नौ एक में एक, और चार में चार एकम चार रहेगा, मतलब यक्ष स्क्वायर स्कल टू, यहाँ नौ बटे में कितना हो जाएगा हमारा चार, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब यक्ष बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा नौ बटे में हो जाएगा चार, नौ बटे में कितना हो जाएगा हमारा चार। अब क्या कर सकते हैं कि ये तीन का स्क्वायर है, ये दो का स्क्वायर है, मतलब यक्ष की जो वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यक्ष इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस का तीन बटे में कितना हो जाएगा हमारा दो, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारे तीन बटे में कितना हो जाएगा हमारा दो, एक्स का मान कितना हो गया हमारा तीन बटे में दो प्लस माइनस, ये भी आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आंसर यही दिया होगा, आप तीसरे सवाल में भी आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि ये आंसर हो गया, लेकिन उत्तर की अब हम लोग जाँच करेंगे, जब उत्तर की जाँच करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर की जाँच, उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की यहाँ पर हो जाएगा हमारा जांच, तो ये जांच हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे रखेंगे हमारा प्लस का तीन बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा दो, तीन बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा दो, और इसका मान तीन बट्टे में दो मान रखने पर, मतलब कि इसमें रख देंगे कि x का मान ये रख देते हैं, उत्तर की जांच में लिख देंगे कि x बराबर x का मान तीन बटा दो रखने पर लिख देते हैं, रखने पर पूरी बात नहीं लिख पाए तो इसलिए कट कुट करेंगे, इससे बढ़िया कि इस तरह लिख देते हैं रखने पर। अब किस में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चार बटे में हो जाएगा नौ, और यहाँ पर हो जाएगा इन टू यहाँ पे x का स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर स्क्वल टू वन दिया तो वन रखेंगे। अब इसमें मान रख देते हैं, मतलब कि चार बट्टे में कितना हो जाएगा नौ, और गुणे एक्स की वैल्यू कितना दिया हमारा तीन बट्टे में हो जाएगा दो का होल स्क्वायर, ये हो गया, और स्क्वल टू वन है तो वन कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चार बट्टे में हो जाएगा नौ, गुणे यहाँ पर हो जाएगा नौ बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा चार, और स्क्वल टू का वन है तो वन कर लेंगे, चार से चार कट जाएगा, नौ से नौ कट जाएगा, मतलब वन स्क्वल टू कितना हो जाएगा वन, तो ये तो हो गया हमारा इक्वल में वन स्क्वल टू वन हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब दूसरा तरीका कर सकते हैं कि यक्ष बराबर यहाँ पर माइनस का तीन बट्टे में दो रखने पर अब तीन बट्टे में दो रख लीजिए आपको, तो तीन बट्टे में दो रखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे नौ बट्टे चार बट्टे में नौ एक्स का स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाएगा चार बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा चार बट्टे में नौ, गुणे एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं तीन बट्टे में माइनस तीन बट्टे में दो, यहाँ पे जाएगा माइनस तीन बट्टे में दो का स्क्वायर, और इक्वल टू वन है तो वन रख लेंगे। हमने बताया था कि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर चार बट्टे में कितना हो जाएगा नौ, गुणे तीन तरीक कितना हो जाएगा नौ, बट्टे में दो दूनी कितना हो जाएगा चार, इक्वल टू का वन है तो वन कर लेंगे, चार से चार कट जाएगा, नौ से नौ कट जाएगा, मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा एक। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक बराबर एक का मतलब ये हो जाता है कि ये क्या हमारा इक्वल है, बराबर है, मतलब ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, एक और एक बराबर आ रहा है ना, तो बस बराबर करना है, चाहे जीरो अगर आता है इधर में तो जीरो जीरो करते, लेकिन एक है तो इधर भी एक एक आया, इधर भी एक था, इक्वल के इस साइड का ध्यान देते हैं, इक्वल के एक साइड क्या है वन है, इधर वाले मान क्या है वन, वन और वन बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक्स का जो मान है एक्स बराबर एक बार प्लस में यहाँ पर हो जाएगा तीन बट्टे में दो, और एक बार माइनस में तीन बट्टे में दो भी रख सकते हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये भी आंसर है ये भी आंसर है दोनों में से, लेकिन आंसर आपका ये दिया होगा, मतलब प्लस माइनस दोनों करके दे दिया और इसको अलग अलग करके दे दिया, बात बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा सवाल हुआ खत्म, ठीक है। एक लड़की है जिनका मतलब कुछ क्वेश्चन डाउट था उसको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उनको कुछ भाग में समस्या था तो भाग को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। वो एक सवाल हमको सेंड की थी कुछ इस तरीके का, मतलब जीरो एक हजार और गुणे यहाँ पे एक बट्टे में दो, और बट्टे में कितना था हमारा 9.8, ठीक है, इतना तो कुछ था, ठीक है। तो इसको हम लोगों को करना है, तो इसको पहले बता देने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनको भी समस्या होती है कुछ पूछना है, ठीक है ना, तो थोड़ा लेट होगा, मैं एक दिन बाद या कुछ दिन बाद या फिर समय रहा था मैं तुरंत ही करा दूंगा, ठीक है ना, और डिस्टर्ब रहूँगा तो नहीं करा पाऊँगा जल्दी, तो जिसको भी समस्या होगा वो पूछ सकता है, ठीक है ना। हमारे मतलब कि इंस्टाग्राम आईडी पे जाइएगा फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी, जो मेरे चैनल का नाम है, ठीक है ना, उसी चैनल के नाम से आप जाएंगे, ठीक है, जैसे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना, फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा इफेक्टिव, ठीक है ना, यहाँ पे फिर स्टडीज, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से आप जाइएगा वहाँ पे और मतलब कि फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी मैसेज होगा या फिर जो कुछ होगा वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे मतलब कि देख लिया जाएगा, ठीक है।
मैं तो रहता नहीं हूँ, कोई होगा जो देख लेगा, आप लोगों को जो भी समस्या होंगी फिर हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं जो भी सवाल होगा, जैसे इनका सवाल था ये पूछी है, मैं बता दे रहा हूँ इनको। जैसे यहाँ पे देखिए बट्टे में दिया हुआ था, ये दो से इसको हम लोग कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 500 बार में कट जाएगा, 500 हो जाएगा। बट्टे में हो जाएगा हमारा कितना, 9.8, ठीक है ना। अब इसको 9.8 हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो लगेगा, मतलब 10.1 अंक पर है ना, तो 10 कर सकते हैं इसको, तो इसको कर सकते हैं 10। तो मतलब यहाँ पर जाएगा कितना हमारा, गुणे क्या हो जाएगा हमारा 10, गुणे कितना हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या कर लेंगे हम लोग 10, मतलब इस तरीके से आप सोचेंगी। फिर यहाँ पे कर ले सकती हैं कितना हमारा 5000, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 9898, ठीक है। अब चाहे तो आप इस तरीके से भाग दे सकती हैं डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे जैसे भाग देते हैं 9898 से, अगर 5000 में हम लोग भाग दे देते हैं तो साइड में कहीं भी भाग दे सकती हैं, और यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 9 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 50 से कम है, 9 5 45, 5 बार गया तो यहाँ पे 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10, मतलब यहाँ पे 9 5 45, 5 से करेंगे 5 8 40 के जीरो हासिल कितना हो जाएगा 4, और 5 9 45 और 4 45 और 49, यहाँ पे हो जाएगा 49, यहाँ पे जाएगा 0 और 1, 10 हो जाएगा क्योंकि हासिल दिया 10, 10 में से 9 गया 1 और ये खत्म हो गया, यहाँ पे 0। फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1 का मतलब 98, यहाँ पे हो जाएगा 98, 2 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे फिर यहाँ पे जाएगा 0। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि यहाँ पे दशमलव लगाएंगे नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 टाइम्स जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 51.02, तो ये तो इस तरीके से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका ये होता है, जैसे कुछ सवाल मैं अपने तरीके से ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट माइनस का 7 दे दिया, सॉरी 10 के पावर माइनस का 7 दे दिया, पॉइंट नहीं, इंटू यहाँ पे 2 इंटू 300 300, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। और बाई कितना हो जाएगा हमारा, दे दिया हमारा जैसे कि 1.5, और इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस का 2, इस तरीके से दिया हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए 1 2 3 4, 4 0 है, आपको 4 0 अलग कर लेना है, मतलब यहाँ पे देखिए 10 के पावर माइनस का 7 इंटू 2 इंटू 3, और ये भी 3, इंटू 3 इंटू 10 के पावर, देखिए अब 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0 है तो 4 लिख लीजिएगा इस तरीके से प्लस का, क्योंकि 1 2 3 4 4 0 लिख रहे हैं तो इस तरीके से प्लस का लिख लीजिएगा। बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 1.5 गुणे 10 के पावर, यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ है तो माइनस का 2 रखिएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस को ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर नीचे भेजते हैं ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जैसे है उसको ऐसे रखिए। अब देखिए नीचे में हमेशा जो पावर होता है ना उसको हमेशा ऊपर भेजते हैं, याद रखिएगा, हमेशा ऊपर भेजते हैं ताकि ऊपर में जा करके वो जो भी रहेगा माइनस में प्लस में उसको हम लोग उसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है ना। अभी रुक जाइए एक मिनट, बैटरी हीट कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दे दिया हमारा इस तरीके से। तो अब क्या कर सकते हैं कि 10 के पावर माइनस का 7 है, ये 10 के पावर 4 है, दोनों को अगर मान लीजिए गुणा करते हैं तो आपस में घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इसका मतलब 10 के पावर माइनस का 7 और प्लस का क्या हो जाएगा 4, घात आपस में जुड़ गए, 10 गुणे 10 इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा गुणे है तो गुणा कर लेंगे, गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 2 में 3 को गुणा करेंगे 6 6 में 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18, और बटे में यहाँ पे दे दिया हमारा 1.5, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 2, ये माइनस वाले को ऊपर भेज दिया कितना हो जाएगा 2, ये भी 2 का गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर, ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया कितना बचेगा माइनस का 3, और यहाँ पे प्लस का फिर से 2, प्लस का 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18, और बटे में कितना हो जाएगा 1.1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, 1.5। अब देखिए यहाँ पे बता दे रहा हम इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 के पावर, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस के 1 बचेगा, 10 के पावर माइनस के 1 ही बचा, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 1.5। अब इसको नीचे अगर लाते हैं, इसको अगर नीचे ला देते हैं तो यहाँ पे जो हमने बताया था कि माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अब नीचे लाने का क्या रीजन है, पॉइंट है तो हट जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और बटे में यहाँ पे जाएगा 1.5, जब नीचे लाते हैं तो 10 के पावर यहाँ पे जाएगा 1, और 10 के पावर 1 का मतलब 10 ही है, 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 बटे में 15, 18 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 से इसको कटाएंगे तो 15 है कम 15, बच गया हमारा 3, ठीक है ना, तो 15 दुना के 30 मतलब 1.2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप करिएगा, एकदम सावधानी से करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा करना क्या चीज़ है।
ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से बताइएगा, मैं बता दूंगा। और लग रहा है तो ठीक है, मैं एक और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक और इसको बता दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरा मतलब भाग बताना है हमको कक्षा 8 का। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी एक सवाल बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें शायद समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 60, 60 हो गया, और यहाँ पे दे दिया गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 9.8 कर लेते हैं, और बटे में कुछ इस इंटर का ही मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ, मतलब कि कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। गुणे यहाँ पे हो जाएगा 0.48, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है, हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या चीज़ है कि ये पावर में दिया हुआ है इतना, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी, इसको भी हम लोग इस इधर से कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इसको रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 60 × 10⁻³ × 9 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे, यहाँ पे जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा, जब इस साइड ले रहे हैं तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा -1। अब -1 कैसे हुआ, क्योंकि दशमलव अगर दाएं तरफ भागेगा तो माइनस में जड़ेगा, अगर बाएं तरफ जाएगा तो ध्यान रखिएगा प्लस का होगा। समझ में आ गया, ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों का इस तरीके से 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है ना, अगर पॉइंट यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कि अगर 0 0 0 है, ये दशमलव अगर इस साइड मतलब इस साइड राइट साइड भाग रहा है, मतलब राइट साइड जाएगा, तो जब भी अगर राइट साइड दशमलव भागता है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का पावर लगेगा, माइनस का मतलब कि ऊपर पावर लगेगा, ठीक है ना, 10 के पावर माइनस का पावर लगेगा जो भी हुआ। जैसे 3 अंक अगर 1 2 3 राइट तरफ ले गए तो -3 हो जाएगा, अगर इस साइड ले जाते हैं मतलब कि लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे अगर लेफ्ट की तरफ 1 2 3 दशमलव इस साइड ले जाएंगे तो 10 के पावर यहाँ पे हो जाएगा +3, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों का मतलब भागता है, गुणा का सीन रहेगा, गुणा का साइन रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब हम लोगों का दशमलव यह था, क्या होता है यहाँ पे था 0.45, तो 4 इसे हमेशा दाहिने साइड लेगा ना, दाहिने साइड हम पॉइंट को 1 अंक लेके गए तो 1 के पावर माइनस का 1 कर लिए, ठीक है। तो यही करना है आपको। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है कि आपको ये वाला ऊपर जब जाएगा, ये वाला जब ऊपर जाएगा, या फिर एक पॉइंट और भी ले जा सकते हैं, इसको एक पॉइंट और ले जाते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट और ले जाते हैं, तो 60 पूरी के पूरी तरीके से हम लोग मतलब कैलकुलेशन इस तरीके से कर लेते हैं, 60 × 10 के पावर -3 है, -3 कर लीजिएगा, और एक पॉइंट और इधर इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा गुणे, यहाँ पर 98 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर से इसके में भी, और बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 5 × 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा हटा दिए तो अब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा 60 × 10 के पावर -3, और ये जुड़ता है तो -1, और इसको भी किए हैं तो × 10 के पावर +2 है, ये ऊपर चला गया तो +2 हो गया, बट्टे में यहाँ 5 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 45 45। अब इसको जब जोड़ेंगे, जब 10 के पावर जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ के दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पर जाएगा 60 × 10 के पावर -4 और +2, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 45, और 5 कितना हो जाएगा हमारा 5 5 25, और 5 4 20, और 2 22, मतलब 250। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब आगे की या नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जाएगा 60 × 10 के पावर -2 बटे में जाएगा 225, 200 कितना हो जाएगा हमारा 25। अब 225 से इसमें भाग दे सकते हैं, अब भाग दे देंगे तो जितना आएगा उसको कर लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भाग देते हैं 225 से, ये पॉइंट में है, माइनस का है, तो ठीक है ना, तो माइनस का है तो इसमें भाग दे दीजिए आप, ठीक ना, तो यहाँ पर जाएगा 60 और इसमें भाग देंगे 225 से, 225 से, अब पीछे भाग दे दीजिएगा, पॉइंट लगेगा 0 लगेगा, ठीक है ना, फिर 0 लगेगा, ठीक है। ये कितनी बार जा सकता है, तो यहाँ पे तो ये 2 बार जा सकता है, 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा दे जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर जो जब 2 बार इसको ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 450 450, ठीक ना, मतलब कि इसको देखिए 2 5 10 को 0 हासिल 1, और 2 में 2 को गुणा करेंगे 4 1 हासिल 5, और 2 2 के 4, ठीक है, इसको घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब ये पॉइंट वाला समझ में आया कि नहीं, कैसे किए, सबसे पहले भाग देने के लिए अगर नहीं जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, जब यहाँ पॉइंट रहता है तो 0 लगा सकते हैं, जितना मर्जी उतना 0 लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1 ही 0 लगाएंगे, दूसरा अगर 0 लगाना होगा तो फिर 0 लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जा सकता है ये, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, कितनी बार जा सकता है, 2 से करेंगे, 2 7 14, 7 बार जाएगा, 7 बार नहीं ले जाते हैं, क्योंकि 2 7 14 हो जाएगा, 7 बार ना ले जा करके हम लोग यहाँ पे 6 बार ले जाते हैं, 6 बार इसको ले जाते हैं, तो 6 से करेंगे तो 6 5 30 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 6 2 के 12, और 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 3 15 को 5, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना, और 6 2 के 12 1 13, ठीक है, 13 ये इतना हो गया। अब इसको घटा के देखते हैं, 0 यहाँ पे 1 हासिल दे दिया, तो यहाँ पे जाएगा 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में से 1 गया 1,
ठीक है ना, ये 150 मतलब लगभग इतना आएगा, 0. मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 10.0026 × 10⁻²। ये इसका आंसर आएगा। आप चाहें तो एक अंक इधर खिसकाएंगे तो मतलब कि 2.6 करते हैं गुणे 10⁻, तब यहाँ पे क्या निर्णय रखना पड़ेगा, 3। हमने बताया था कि जब भी अगर दाहिने तरफ जाता है तो एक बढ़ जाता है, मतलब माइनस का 2 था तो माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देखिए, 0. यहाँ पे जो 2.6 है गुणे 10⁻², है तो हमने बताया था कि जब भी अगर दाहिने तरफ जाता है तो माइनस एक हो जाता है, तो मतलब कि यहाँ पे जाएगा 2.6 × 10⁻ क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻-1, और ऑलरेडी 10⁻-2 दिया हुआ है, और घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, मतलब 2.6 × 10⁻ कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 दोनों मिला कितना हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे, 2.6 × 10⁻ कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो इतना में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरीके से इसको करना है। भाग रही भाग की बात, तो भाग भी बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2, 2 और 5 दिया हुआ है गुणे भाग देना, सॉरी भाग देना है इसमें कितने से, हमारे को 60 से, तो यहाँ पे नहीं जा रहा है ना, तो पहले हम लोग को जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं है, जीरो लगाएंगे तो उससे जीरो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, स्टार्टिंग में हमेशा पॉइंट लगाना पड़ता है, जीरो अपनी सुविधा के लिए लगा दिए ताकि अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट लगा दिए, फिर जीरो बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है ये देखते हैं, अब पहले तो नहीं जा रहा था, अब जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 450। अब यहाँ पर जाएगा जीरो, यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, और ये हमारा क्या जाएगा, 5 में से 4 गया 1 बच गया। अब ये पॉइंट है इसके वजह से यहाँ पे जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट है उसके बाद जीरो लग, अगर ये नहीं जाता माई चानस, ये नहीं जाता, अगर उसके बावजूद भी नहीं जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लगाते हैं, तब जीरो लगाते हैं। पॉइंट के चक्कर में जीरो नहीं लगे, पॉइंट के चक्कर में सिर्फ एक ही जीरो एक बार में लगा सकते हैं, दूसरी बार चाहे तो दूसरी बार एक और जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए हम एक बार और ले जाते हैं इसको, एक बार और ले जाके 6 बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1350 यहाँ पे किए हुए थे उस तरीके से, यहाँ पर जगह जीरो, यहाँ पर जगह 5, यहाँ पर जगह 1, ये कट गया। दशमलव है तो एक जीरो लगा सकते हैं फिर से, ठीक है ना। अगर ये नहीं जाता मतलब कि इससे छोटा पड़ जाता तो फिर एक बार और जीरो लगा सकते थे, जीरो लगा के फिर एक जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर करेंगे, फिर 6 हो जाएगा, तो ये जाता रहेगा, इसीलिए हम लोग इतना इसको कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, आपको मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैसेज करिएगा, मैं दूसरे वीडियो में फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पर आप जुड़ सकते हैं, तो जाके आप जुड़ लीजिए, और जो भी समस्या होगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं।